एप्लीकेशन है। चलो पढ़ाएं, कुछ कर दिखाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ढूंढ ली है अक्षर की पहचान। अक्षर असली चीज है, इसमें है संसार। hey! चीजों में से झांकता अक्षर का सब चीजों में छिपा है अक्षर, आओ करे पहचान। शुरुआत से अंत तक सबका एक निशान है। इसमें अक्षर उसमें अक्षर, अपने हैं सब साथी अक्षर। आओ खेलें खेल हमारा, नाम है जिसका अक्षर मेला। जय साक्षरता। जय साक्षरता। असली और नकली का इम्तिहान करना बहुत अकल और बहुत मेहनत का काम है। जैसे आपने अभी सुना कि अक्षर ही असली चीज है, उसमें है संसार। तो अक्षरों को, जो दुनिया की सबसे महंगी और सबसे कीमती चीज है, उसको जानने पहचानने और अपनाने वाले हमारे आज के दो दोस्त हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ अक्षर मेला में। हमारी तीन टीमें आई हैं, तीनों दिल्ली की हैं। ये है उत्तर पश्चिमी दिल्ली की टीम, ये है पूर्वी दिल्ली की टीम और ये है उत्तरी दिल्ली की टीम। पहले जाके मैं आपका परिचय कराती हूँ अपनी पहली टीम से, जो कि है उत्तर पश्चिमी दिल्ली की टीम। आपका नाम है राम देवी। आपने क्यों पढ़ाना शुरू किया? मेरे को पढ़ाने की प्रेरणा जो है एक गरीब औरत से मिली, जो घर में रोटी भी जिसके नसीब होती थी, उसको मैंने पढ़ाया और दो अक्षर सिखा करके उसको चपरासी की नौकरी लगवा दी। तो वो मेरे घर आ जाकर आकर के मुझे दुआ देने लगी। तो मैंने सोचा एक औरत को पढ़ाने से अगर इतनी दुआ मिलती है, तो इतनी हजारों लेडीज औरतें जो हैं पढ़ी हुई अनपढ़ हैं, इनको क्यों ना पढ़ाया जाए। वहां से प्रेरणा ली और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। चलिए, और राम देवी के साथ आए हैं कृष्ण और हरिंदर, और ये हैं सविता और ये हैं उषा। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये है हमारी पूर्वी दिल्ली की टीम और इनकी स्वयं सेवक है शशि प्रभा। अच्छा, आपने क्यों उन लोगों को पढ़ाना शुरू किया? मैंने सोचा जब मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ तो और भी लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। लेकिन आपने और कोई प्रोफेशन क्यों नहीं चुना, और कोई काम क्यों नहीं चुना? इसके अलावा और भी काम करती हूँ मैं। क्या करती हूँ? सिलाई कढ़ाई करती हूँ, घर में सिलाई सिखाती हूँ। और इनके साथ आए हैं चंचल, राकेश, दीपा और लक्ष्मी। और ये है हमारी उत्तरी दिल्ली की टीम और इनकी स्वयं सेवक है नमिता। आप कितनी लड़कियों को पढ़ाती हैं? 10 से 12 को पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, पढ़ाई के अलावा अगर इन लड़कियों की निजी जिंदगी में कोई मुसीबत होती है तो आप इनकी मदद करती हैं? बहुत अच्छी तरह। मुझे कुछ उदाहरण दीजिए। एक बार जब मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया था तो एक लड़की आई, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। हाँ। तो उसकी घर वालों ने उसकी एंगेजमेंट तोड़ दी कि ये लड़की अनपढ़ है, इसलिए हम मैरिज नहीं करेंगे। फिर उसको मैंने पढ़ाया, अब उसकी शादी हो गई है वहीं पे। अरे वाह। और इनके साथ आए हैं अलका और संतोष और प्रेमवती और ये हैं गुरदीप। पहचान के बाद अब चल के खेलते हैं अपना पहला खेल, जिसका नाम है खोजबीन। भाई, इसके नाम से समझ गए होंगे आप कि हम आपको एक शब्दों की जाली देंगे, उस शब्दों की जाली में से आपको खोज के बीन के शब्द निकालने हैं और आपका एक साथी उन शब्दों को यहां पर लिखेगा। ठीक है, हर टीम में से दो दो जन आएंगे, एक पहचानेगा एक लिखेगा। और मैं स्वयं सेवक से पूछूंगी कि उनकी टीम में से कौन पहचानेगा कौन लिखेगा। सविता जी पहचानेंगी और उषा जी लिखेंगी। अच्छा, उषा आप जाइए वहां पर और जब मैं कहूँ आप खिड़की खोलिए, आप जाके एक्चुअली खिड़की खोल दीजिए। और आप मेरे साथ आइए सविता। आप बताइए, आप कब से पढ़ रही हैं? एक साल से। हाँ जी। किसके कहने से आप स्कूल गए? मेरी लड़की को अच्छा नहीं लगता था, मैं अंगूठा लगा के करती थी दस्तक वगैरह। और अब आप अपना नाम लिख सकती हैं? अपना नाम लिख लेती हूँ, क्या बोलते, चिट्ठी भी लिख लेती हूँ। एक दिन दुकान का कागज जरूरी था, वो मैंने खो दिया, झाड़ू में फेंक दिया, तो उन्होंने गुस्सा किया, फिर मैं और ज्यादा पढ़ने लग गई। तो लड़की ने कहा कि लड़की ने आप जाके पढ़ो? हाँ जी, उसी ने ज्यादा पढ़ाया था घर में। चलिए भाई,
चलिए इनकी जाली दिखाइए और आपको रंग के नाम पहचानने हैं। इनकी जाली है ये और आपका वक्त शुरू होता है अब। नारंगी, नारंगी, काला, काला, हरा, हरा, चलिए एक और है सिर्फ, बोलिए, एक और रंग है, काला ना, बहुत अच्छा रंग है, खूब उज्जवल रंग है, देखिए देखिए, हरा, हरा आपने बोल दिया, नारंगी बोल दिया, काला बोल दिया, हरा बोल दिया, एक और बोलिए जल्दी से, बहुत अच्छा रंग है, लाल, लाल, बिल्कुल सही कहा। चलिए इनके नारंगी, काला, हरा, लाल, उधर नारंगी, काला, हरा, लाल, इनके चार उधर सही, चार इधर सही, इनके हो गए कितने अंक? 80 अंक इनके पूरे हो गए, बहुत अच्छे। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी टीम के पास और इनसे पूछते हैं कि इनकी टीम से कौन पहचानेगा, कौन लिखेगा। दीपा लिखने के लिए जाएगी और राकेश पहचानेंगे। अच्छा, राकेश आप क्या काम करते हैं? मैं वेटर का काम करता हूँ। अच्छा, तो फिर क्या सोच के आपने पढ़ना लिखना शुरू किया इस उम्र में? जी मेरे को हिसाब वगैरह नहीं आता था, तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट करा मैं। लेकिन आपके माँ बाप ने क्यों नहीं पढ़ाया आपको? घर की मजबूरी है कुछ ऐसी। आपके बहुत सारे भाई बहन थे क्या? हाँ जी, पांच बहन भाई हैं। किसी को नहीं पढ़ाया? नहीं जी, चार तो पढ़े लिखे हैं, मैं ही नहीं पढ़ा, बड़ा हूँ सबसे। सबसे बड़े हैं तो आपको घर का देखभाल करनी पड़ती है? हाँ जी, घर की देखभाल करनी पड़ती है मेरे को। चलिए इनकी जाली दिखाइए और इनको पहचानने हैं मसाले के नाम। मिर्च। आपका वक्त शुरू होता है अब। जीरा, जीरा, मिर्च, धनिया, धनिया, धनिया सही है, हींग, और हींग भी सही है। चलिए आप जाके बैठ जाइए राकेश और यहाँ देखते हैं कि कितना हो रहा है इधर। चलिए आपके पास बहुत समय है, मिर्च बोला, धनिया बोला, हींग बोला, मिर्च, धनिया, हींग और जीरा। चलिए जल्दी कीजिए, वक्त है वैसे आपके पास। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे आपको दिख रहा है कि सात चारों यहां सही है, चारों वहां सही है, तो इनके हो गए 80 अंक हो गए इनके। मुझे बताओ दीपा, आप क्या बनना चाहती है? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बनना चाहती है? पुलिस इंस्पेक्टर, ओके। चलिए अब इस टीम से मुझे बताइए कि कौन पहचानेगा, कौन लिखेगा। गुरदीप जाएगी लिखने के लिए, प्रेमवती जाएंगी बोलने से। ठीक है गुरदीप, आप वहाँ जाइए और जैसे इन लोगों ने कहा वो खिड़की खोल दीजिए और वहाँ वेट करिएगा। और आप मेरे साथ आइए, आप मुझे बताइए इतने सालों बाद आपने पढ़ना लिखना शुरू किया, क्यों भाई? मैं जिस स्कूल में नौकरी करती हूँ, हाँ, तो इसलिए वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी इस उम्र में थी तो मैं भी पढ़ना चाहती थी, मुझे नहीं पढ़ाया तो मैं अब पढ़ लेती हूँ। चलिए आपको पहचानने हैं रिश्तों के नाम। चलिए आपका वक्त शुरू हो गया अब। रिश्ते हैं ना जी, बोलिए आप, बोलिए। जेठानी, जेठानी। आप पीछे की आवाज सुन सकती हैं। पति, पति, चलिए। सास, सास, और एक और है सास के साथ बहू, बहू। चलो चलो जल्दी, जेठानी बोली, सास बोला, बहू बोला, पति बोला। चलिए आपके पास है थोड़ा समय अभी, हाँ हाँ, चलिए बहू बनाइए। आपका एक अक्षर रहता है, ये देखिए कहाँ जाएगा। चलिए चलिए हो गया इनका सारा, जेठानी हो गया, ये तो जो हो गया, मैं इसको ठीक कर देती हूँ ऐसे, ये चिपकेगा तो चिपकेगा, और ये आ गई मात्रा इधर, ठीक है। अब इसके हम आपको 5 देंगे, पूरे 10 नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसके हो गए, इसकी ये सही है और ये सही है, और वहां 4 सही है,
कितना हुआ? 75। हमारा ये खेल खत्म हो गया, अब देखते हैं कि किसको कितने अंक मिले। उत्तरी पश्चिमी जिला को मिले हैं 80 अंक, पूर्वी जिला को मिले हैं 80 अंक और उत्तरी जिला को मिले हैं 75। चलिए ये तो था पहला खेल, पहला अंक था और आपके अंक हमने दर्जा कर दिए आपके बही खाते में। तो चलिए हिसाब का भी खेल खेल लेते हैं। अगले खेल का नाम है बही खाता। हिसाब का खेल है, गणित का खेल है, तो हर टीम में से एक जन आएगा जो गणित में थोड़ा मजबूत हो और आके यहाँ पर सवालों का हल करेगा। पहले हम चलते हैं आपकी टीम के पास और आप मुझे बताइए आपकी टीम में गणित में कौन मजबूत है। कृष्ण कुमार। कृष्ण आप आइए और जाके खिड़की खोलिए और गणित के जो सवाल है उनका हल कीजिए। आप तीनों यहाँ से उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है? चलिए पूरा खोल दीजिए और आप शुरू हो जाइए। 29 + 9 बने 38। ये कह रहे हैं 38। 38। 82। 97 + 15 बने 91। 27। आखिरी है 51। 17 बने चौथा 17। चलिए हो गया, हो गया यहाँ से। चलिए अब चलती चेक करते हैं यहाँ पर। आप यहाँ रहिए किशन मेरे साथ। चलिए ये 38, 82, 91 और 17 इनके चारों सही हैं, ठीक है? चलिए आप आइए किसी जाने कैसे। अब आप बताइए आपकी टीम से कौन जाएगा गणित के सवाल करने। चंचल। ये खोलिए आप खिड़की और ये शुरू हो गया आपका 11 + 20 बना 31। 31 कह रहे हैं ये। 72 - 9 हुआ, कोई बात नहीं उसको रहने दो। 72 - 9 आपको बदलना है इधर। 65 ये कह रहे हैं। 65 किसका? 65 कह रहे हैं ये। चलिए आप जाइए बदली कीजिए जल्दी से जल्दी से। चलो 63 कह रहे हैं ये और 84। 12 × 7 ये कह रहे हैं 84 और 26। 78 × 3 = 26। चलिए बस आपका समय खत्म हो गया। आप वहीं रहो, आप वहीं रहो। चलिए ये हो गया इनका 31, ये हो गया 63, ये हो गया 84, ये हो गया 26। तो इनके चारों सही हैं। बहुत जल्दी में बदली की फिर भी इनके चारों सही हैं। आइए आप बैठिए। चलिए अब हम चलते हैं इस टीम के साथ और देखते हैं कि यहाँ कौन जाएगा गणित का हल करने। अलका आप आओ अलका और अपने गणित के सवालों का हल करो। आराम से खोल दीजिए उसको और आपका वक्त शुरू होता है अब। 27 + 31 बने 5 और 45 + 7 बने 45 + 7 बने तीसरे बारे में 6 उठना आएगा। 21 × 3 में 6 × 3 63 जल्दी 63 तीसरे में 63 ये कह रहे हैं कि तीसरे सवाल में 63 है और दूसरे में 38 कह रहे हैं जवाब। दूसरे में 38 और तीसरे में 74 / 2 हुआ। आखिरी वाला 3 और 7। चलिए आपका समय खत्म हो गया। आपका पहला जवाब है 58। ये गलत है, ये इस तरफ होना चाहिए था तो मैं ये नहीं दे सकती आपको। ये है आपका 38 बिल्कुल सही है, ये है 63 ये सही है, ये है 37 ये भी सही है। तो इनके तीन सही हैं। अब हमारा बही खाता का खेल भी खत्म हो गया है। अब बही खाते के बाद तो देखना पड़ेगा ना भाई कि अंक क्या क्या मिला है, क्योंकि ये तो हिसाब की बात है। अब देखते हैं कि उत्तरी पश्चिमी जिला के हैं 120 अंक और पूर्वी जिला के हैं 120 अंक और उत्तरी जिला के हैं 105 अंक। कहीं समय का एक तारा अक्षर अक्षर दीप जले फैले शिक्षा का उजियारा। कहीं समय का एक तारा
पढ़ लिख लिख पढ़ बन होशियार, समझ बढ़े तो पढ़े विचार। बड़ा ज्ञान से ना धन दूजा, करती दुनिया ज्ञान की पूजा। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। ये कहीं समय का एक तारा, अक्षर अक्षर दीप जले, खेले शिक्षा का उजियारा। कहीं समय का एक तारा, पढ़ने लिखने का तो मजा ही कुछ और है। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अब हम जो खेल खेलने जा रहे हैं अपने अक्षर मेला में, उसका नाम है देखी सुनी। भाई बातें हैं देखी, बातें हैं सुनी, उन्हीं पे हमने कुछ सवाल बनाए हैं। बहुत आसान से हैं, आप सबको मौका दिया जाएगा, आप सब जवाब दीजिएगा, आपको अंक मिल जाएंगे। पहले मैं यहां आती हूं पहले की तरह और आप सबसे पूछती हूं। आप चारों में से कोई जवाब मुझे दीजिएगा। और आपका पहला सवाल है कि मतदान देने की उम्र क्या है हमारे देश में? 18 वर्ष। बिल्कुल सही कहा कृष्ण, बिल्कुल सही कहा कृष्ण ने, 18 वर्ष है। अच्छा, अब आपसे मैं पूछती हूं कि गंगा और यमुना नदी का संगम किस शहर में होता है? गंगा और यमुना का संगम किस शहर में होता है? दिल्ली। जी नहीं, हम उसे प्रयाग भी कहते हैं। इलाहाबाद। इलाहाबाद बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मुझे बताइए चारों कि रानी लक्ष्मीबाई को हम किस दूसरे नाम से भी जानते हैं? झांसी रानी। बिल्कुल सही, झांसी की रानी। अच्छा, अब ये अगला सवाल भी आप लोगों के लिए है। ओके, अब आप ये देख के बताइए कि ये क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? नहीं, आपका समय खत्म हो गया, लेकिन आप लोग बता सकते हैं क्योंकि आपने भी देखा हुआ है कि ये कौन है? राहुल द्रविड़। नहीं नहीं नहीं, चलिए मैं आपके पास आती हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए। मोहम्मद अजहरुद्दीन। नहीं नहीं, ये सुनील गावस्कर हैं। अच्छा, अब ये सवाल आप लोगों के लिए है। शाहजहां द्वारा निर्मित इस मस्जिद को पहचानिए। जामा मस्जिद। बिल्कुल सही चंचल, जामा मस्जिद। अच्छा, आपको जो तस्वीर दिखेगी ना, उसके पीछे एक इमारत है, आपको बतानी है कि ये इमारत कौन सी है। दिल्ली की इमारत है, आगे क्या हो रहा है, पीछे कौन सी तस्वीर है? संसद भवन। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं वापस यहाँ आ सकती हूँ अब। क्या बोला आपने? राष्ट्रपति भवन। बिल्कुल सही बोला, राष्ट्रपति भवन। चलिए, अब हमारे यहाँ ये खेल भी खत्म हो गया जो था देखी सुनी। अब हमें एक और बहुत मजेदार खेल खेलना है, लेकिन उससे पहले देखने अंक किसने किसको कितने मिले हैं। उत्तरी पश्चिमी जिला को 130, पूर्वी जिला को 140, उत्तरी जिला को 120। अब हमने ना कुछ चीजें छुपा रखी है। क्या छुपा रखे हैं? शब्द छुपा रखे हैं, अक्षर छुपा रखे हैं, वो भी शब्दों के बीच में छुपा रखे हैं। हम आप सबको एक एक शब्द देंगे, उन शब्दों के जो अक्षर हैं, मात्राएं हैं, उनसे आपको अलग अलग शब्द बनाने हैं। ठीक है, आपकी टीमों में से एक एक जना आएगा और हमारे बोर्ड पे लिखेगा। आप लोग प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, पीछे से आवाज दे के बता सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आती हूँ आपकी टीम के पास, आप मुझे बताइए कौन जाके यहाँ पर बाराखड़ी खेलेगा। हरिंदर। हरिंदर, आप आइए हरिंदर, वहां पर एक कलम रखा है, कलम को उठाइए और तैयार हो जाइए। फिर आपका शब्द हम अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे, जो है असावधान। और आपका वक्त शुरू होता है अब। धन। धान। धान, बड़ा बड़ा लिखिए। धान। धान। आसान। वन। ये कह रहे हैं वन। आसान। ये कह रहे हैं आसान। क्या बोला आपने? नव। नव। नव, इन्होंने बोला नव। नाव। ये कह रही है नाव। आप ऐसे लिखेंगे, मेरे समझ में कुछ नहीं आएगा। धान। नाव। नाव। साधना। साधना, ये कह रहे हैं साधना, तीनों ने कहा। वास। आप कह रही हैं वास। हाँ जी। वास।
वास असाधना, ये कह रहे हैं असाधना, नस ये कह रही है नस, सन 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 कह रही है बद, और ये कह रही है वध, अवध, और आपने कहा अवध, अच्छा आप कह रहे हैं अवध, अन अन ये कह रही है अन, नौ, चलिए बस खत्म खत्म खत्म, आपका समय खत्म हो गया। चलिए देखते हैं, ये वन है, ये नाव है, ये कुछ नहीं हो सकता, ये धान है, ये साधना, ये वास है, ये नस वध, ये अवध अन नाव धान आसान, ठीक है, 11 सही है इनके, 110 अंक हो गए इनके। अब इसको मिटा दीजिए और जाके बैठ जाइए, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताइए कि कौन जाएगा 12 खड़ी खेलने? दीपा। दीपा आप जाएंगी, अपनी कलम लीजिए और वहां जाके खड़ी हो जाएगी, और आपका शब्द अभी आ जाएगा। आपका शब्द है महासागर। सागर। जोर से बोलो सागर। हाँ उसको बोलो, जोर से बोलो साग, ये कह रहे हैं साग, सागर, मगर, ये कह रही है मगर। चलिए हार, ये कह रही है हार, चलो राम, ये कह रहे हैं राम, राम, राम कह रहे हैं आप, राम सोच लीजिए, गरम, गरम कह रहे हैं, शहर, क्या बोला शहर, ये कह रहे हैं शहर, हरा, सामर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सामर, राकेश सामर कह रहे हैं, चलो तुम बोलो सागर कह रहे हैं, वो तो हो गया। चलिए चलिए दो एक बस 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 बस, लाओ आओ आप इधर आओ, आप इधर खड़े हो, इधर खड़े हो मेरे साथ। चलिए ये सागर, ये महा, ये गर, ये साग, शहर, गरम, मगर फिर से हो गया ना, नहीं मगर है, महा महा दोबारा आ गया, इसको काट दीजिए, हार ये है सामत, सामत कुछ नहीं होता, और ये है राम, ये है सार, हाँ ये ठीक है। चलिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ये हम नहीं ले सकते, तो कुछ भी नहीं है, 11 सही है। चलिए इनके 110 अंक हो गए, आप बताइए यहाँ से कौन जाएगा? गुरदीप। गुरदीप आप जाएंगी, और आपका शब्द है आवगमन। गमन 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 कह रहे हैं ये, गम हाँ आग, आग कह रहे हैं ये, मन मन, मन। गगन गगन कह रहे हैं, आवाज आवाज, आसमान 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 सही है, आगमन आगमन आगमन, वन वन वन, बोलो बाग बाग, ये कह रही है बाग, आना 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 आना, आना। ये कह रही है आना, गम 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 गम, हाँ जी। चलिए चलिए आवाज, आम 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 कह रही है, चलिए बोलो ना बोलो 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 दो एक बस बस, कलम उन्होंने वैसे ही कलम रख दिया। आकृति तो आप इधर खड़े हो, मैं देखती हूँ, आम गमन आग मन, ये गलत है गगन, क्योंकि वहां दो ग नहीं है, गम आवाज वहां ज तो है ही नहीं, वैसे भी मात्रा करें, ये आगमन, चलिए मैं एक मात्रा आपके लिए लगा देती हूँ, वो सही है, वन और आना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ सही हो गए आपके, इनके आठ सही हैं, तो इनके 80 अंक हो गए, आगे बैठ जाओ। चलिए 12 खड़ी का खेल भी खत्म हो गया, अब देखते हैं कौन आज के विजेता हैं और किनको मिला कितना अंक। आज जो ये खेल जीते हैं उनको दोबारा आना है एक और खेल खेलने। आज की तीसरी पोजीशन पे है उत्तरी जिला 200 नंबर लेकर, और दूसरे उस पे है उत्तरी पश्चिमी जिला के 240 अंक लेकर, और आज के विजेता है पूर्वी जिला 250 अंक लेकर। आप लोग आइए, आप लोग आइए, खड़े होइए मेरे साथ। चलिए मेले का एक और दिन खत्म हो गया,
मौज मस्ती खेल का अपनापन भी खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ आज के लिए। अगले हफ्ते हम लोग फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे साथ जरूर आके गाइए। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। ख ख ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ख ख ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों।